लोकसभा दीर्घा में दो युवकों के कूदने की घटना के बाद संसद के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोकसभा दीर्घा घटनाक्रम के दौरान संसद के रिसेप्शन गेट के बाहर भी एक युवा और युवती ने स्मोक बम जलाकर हंगामा किया था। यहां पर पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। मौके का जायजा लिया हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने। आज लोकसभा दीर्घा में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा और मौका भी, ये ऐसा मौका था जब संसद पर आतंकी हमले की 22वीं सालगिरह थी और इस मौके पर जो लोकसभा दीर्घा में युवक कूदे और उन्होंने जिस तरीके से वहां पर जो गैस स्प्रे की और उसके बाद जिस तरीके से हलचल बढ़ी वो तमाम नज़ारा देखने को मिला। संसद के अंदर और संसद परिसर में इसको लेकर काफ़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। इस वक्त हम ठीक संसद के गेट के बाहर मौजूद हैं जहां पर जो एक महिला थी और समर्थक थे उन्होंने भी यहां पर उसे उसी दौरान यहां पर वो जो स्प्रे कलर वाला वो छोड़ा था और इसको सेफ जोन में तब्दील किया है पुलिस ने। ये सेफ जोन लगाए गए हैं, पॉइंट्स बनाए गए हैं जिसको आप गोल घेरे में देख रहे हैं। ये यहाँ पर लाल जो कलर है वो मौजूद है यहाँ पर और ठीक उसी तर्ज पर वहाँ पर वो गैस जो पीले रंग की बताई गई और जो वहाँ पर मौजूद थे उस दौरान प्रत्यक्षदर्शी सांसद उन्होंने जो ब्यौरा दिया, तो ये अंदर का घटनाक्रम था। लेकिन उसके ठीक बाहर जो ये जो मेन पोर्च है, ये जो इलाका है, ये जो आता है संसद भवन के रास्ते की तरफ, चूंकि नए संसद भवन का निर्माण हुआ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं नया संसद भवन का ये गेट जो कि सुरक्षा कारणों से पहले से ही यहाँ पर ये लगाया हुआ था, ये जो पर्दे हैं लगाए गए हैं। इस तरफ रोड बन रही है जो रेड क्रॉस रोड है वो ब्लॉक रहती है अमूमन, लेकिन इसके बाद जो ट्रैफिक आता है वो ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ से यहाँ से मुड़ता है और इस गोल चक्कर पर जो हमारे ठीक पीछे जो गेट आप देख रही हैं यहाँ से प्रवेश मिलता है आगंतुकों को। इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति होते हैं और इसी के साथ रिसेप्शन गेट उस तरफ है, मेरे ठीक आप देख सकते हैं इस तरफ जो वहाँ से गेट होता है वहाँ से पासिस बनते हैं और वो अंदर जाते हैं। तो जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इस वक्त हम जहाँ पर जो संसद भवन के ठीक बाहर मौजूद हैं यहाँ पर भी ये जो सेफ जोन बनाया गया है यहाँ पर भी जो महिला और जो एक अन्य युवक था उसने भी यहाँ पर प्रदर्शन किया था उसको घेरा गया है। स्प्रे उन्होंने छोड़ा था कलरफुल और उसको स्पोर्ट किया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हुई हैं, लिहाजा सुरक्षा का रिव्यू किया गया है। आला अधिकारी संसद भवन पहुंचे थे, उन्होंने सुरक्षा का रिव्यू किया है, तमाम सुरक्षा इनपुट और आगे क्या कदम उठाए जाने हैं उसको लेकर यहाँ पर कड़े कदम उठाने के संकेत मिल रहे हैं, रिव्यू किया जा रहा है सुरक्षा को लेकर। चूँकि पुराने संसद भवन में जो सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद की गई थी आतंकी हमले के बाद, उसके बाद तमाम बदलाव देखने को मिले थे, अब जिस तरीके से जो थ्रेट्स यहाँ पर नए सिरे से उभर कर आया है, जो दर्शक दीर्घा में युवक पहुंचे और उन्होंने जिस तरीके से जो हरकत की है उसने एक नई सुरक्षा चुनौती पैदा कर दी है, लिहाजा सुरक्षा को लेकर व्यापक मंथन देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे और बड़े फैसले लिए जाएंगे, इसके इशारे साफ मिल रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।